भी अपडेट आई है बिग कौन बॉस के बारे में कि अपना UK 07 वाला भाई है, ठीक है, बाबू भैया, वो शो छोड़ने के लिए तैयार हैं, शो छोड़ने की बात कर रहे हैं। सुबह सुबह कपड़ा, इसे पुलिस के लिए बुला लिया, इसे कपड़े के लिए, तू बाद में करियो, चल बाद में करियो, अब तू ओए इसे बाद में करवाऊंगा, ये अपना गाड़ी साफ कर रहा है ना, अब तू बाद में करियो, पहले मैं कर लू। बढ़िया उससे तो बढ़िया हो रहा। कह रुपए का आई, 10 रुपए का? 10 रुपए कितने का? 80 रुपए का। 80 नहीं, 10 रुपए ले ले मेरे से, सेकंड हैंड तो सस्ती मिलती है ना। परसों तो अभी कर ले, मैं तेरे वो करूंगा, अभी हुआ नहीं, अभी तेरे से मजे ले रहा हूँ, अभी करूंगा इससे। अबे यार पूरी गाड़ी साफ करनी है, थोड़ा वो हो रही है गंदी, काफी दिनों से नहीं करी, मैं जब से गाँव से घूम कर आया था, मैं जब से अंदर से नहीं करी, अंदर से काफी गंदी हो रही है। कपड़ा बढ़िया लग रहा है, ये तो ऐसा वाला है ना, गीले पे नहीं सूखा जल्दी से, गीले पे तो और बढ़िया साफ करता है ये, गीले पे बढ़िया करेगा, ऐसे दो बार ऐसे मोड़ के, हाँ के, हाँ फिर है, तो अभी गीली कर लूंगा दोबारा इसका कपड़ा ही गीला कर दूंगा आज। निशान ने गाड़ी धो दी है पापा वाली, क्या बढ़िया, तो बहुत बढ़िया निशान, बहुत बढ़िया, बड़ी धो लो है, लिया 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 लिया, मुझे क्या बोल रहा, लिया डैशबोर्ड के लिए है वो, वैसे भी हाँ मैं इसे बोल रहा था, मगर डैशबोर्ड के लिए पूरा लेने आए भाई, तो इस गली से क्यों आए हो? अबे भाई पानी का फट गया, वो मुझे देख रहा है पिन्नग में, क्यों आऊं नहीं मैं, तेरी गली है, गिरता हुआ आएगा भाई के, क्यों भाई ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है, देखो ये कह रहा है मैं गाड़ियां तोड़ता हुआ आऊंगा, अब जिसकी भी टूटे तो देख ले, इतने रगड़ लग जाते हैं ना यार, जगह देख के लग गई रगड़, लग गई कई बार, लगी देखो कितनी लग गई रगड़, उरा तेरी ये रगड़ लगती है, ये तो बहुत लग गई है, हाँ तो देख लिया करना उतर के, बिल्कुल जगह नहीं बचती भाई, बिल्कुल हल्का हल्का चिपक के निकलती है गाड़ी, तो बोला नहीं तूने, बोला नहीं, मैं गेरूंगा पंचर वंचर करना भाई, मुझे जज मत करना, मैं थोड़ा ना आया नहीं हूं अभी, हाँ इधर भी है, इधर भी काफी है, मानते और नहीं है, मानते नहीं है बिल्कुल भी भाई, कितना भी समझा लो, चिपका कर ही करते हैं, हम खड़ी करते हैं, दूसरे की शोरूम खड़ी करते हैं भाई, हम गाड़ी खड़ी करेंगे ना, हमें ये लगेगा कि यहाँ से ट्रक भी निकल जाए, हम इतना सोच के निकलते हैं, इससे ये कपड़ा कपड़ा और पुलिस मार ली मैंने इससे, अबे क्या हवन सा कर रहा है, ओए ओए शैम्पू दो ना, निशान इधर देख, ओए इससे दोनों मार लिए, हाँ कैमरे पे तो बोलेगा ये तू गंदी शकल, कपड़ा बढ़िया लग रहा, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं निकलेगी खड़ी कर दो, यही खड़ी कर दो 10 मिनट अभी कर रहा हूँ, रुक जाओ, हम अभी तक गाड़ी साफ कर रहे हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं, और ये अभी गाड़ी पूजा करने लग गए, लेकिन धोई हम धोई है इतनी देर से, इस वजह से घर बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, आज एक घंटा खाती कम से कम, इनसे तो मुझे ही नॉलेज है पापा जी क्या करते हैं, अभी आ जाएगा धीरे धीरे, आ जाएगा ना, आया ना देख ले, इतना बढ़िया लग रहा ना, मैं नहा धोकर के आया, ठीक है, और सबसे बोरिंग काम दे दिया मुझे, सबसे ज्यादा बोरिंग काम क्या दे दिया, सबसे ज्यादा बोरिंग काम है, सच बता रहा हूँ, मेरे को बताना कमेंट करके कि कौन किस किस को सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है, गाड़ी वाड़ी धोई और आज है गोवर्धन पूजा, ठीक है, और ये देखो इसे घुमाते रहो जैसे वो ना, पता नहीं ये इसको देख करके लगता है कि बीरबल की खिचड़ी बना रहा हूँ, समझ नहीं आता कि कितनी देर में ये बन अच्छा? बन करके तैयार होगी, और ये देखो मैं फिर अब ये पकौड़े बना रही है, और मैं अभी इसको काट रहा हूँ, और आज कढ़ी बनेगी, आज के दिन कढ़ी और पकौड़े कढ़ी और चावल बनते हैं जो पूजा में यूज होते हैं, ठीक है, थोड़ी लाइट ऐसी लग रही होगी तो अच्छा आ जाए, ठीक है, ये चीज सही लग रही है, और पीछे देखो ये मेरे कपड़े पहने आया है, अरे ओ भाई ठीक है, आया हो नई शर्ट, हाँ ये नई शर्ट है, ये तुमने देखी होगी, तेरे कपड़े है ना, मानता है इस कपड़े को, तो पैंट भी तेरी पहन आता हूँ, अभी जो मैंने अपनी पहनी है दिखाओ कौन सी, ये वाली, अबे मेरी तो पहनी है, नहीं तेरी वाली रखी है वो पहनी, भाई मेरे कपड़े पहनता है, नहीं भाई बोल,
सच्ची में बोल तो पहन के आओ तो पहन के आने, फिर वो नीली जींस है ये थोड़ी रफ हो गई है। नहीं हमें नहीं पहनवानी, कहीं नहीं जाना तू, यहीं रह। और ये शर्ट भी थोड़ा तरीके से रखी हो। अच्छा पैर छुए तू ना करके आज तो कर लेते हैं। मैं अच्छा लग रहा हूँ रसोई में काम करता करता, ये कैसी लग रही है देखना। हंसती है ये, देखो भाई भाई तो जब बोल जब पैंट पहनने देगा, पहले मत बोल। शर्ट उतार दे फिर। हाँ। मैं कितना दलवा दलू अभी पता है, मैं नहा रहा था ना तो कह रहा कि भैया तेरे अंदर अगर ममता होगी ना, तेरे अंदर अगर बिल्कुल मेरे लिए प्यार होगा तो मुझे आज ये शर्ट पहनने देगा। गली गया क्योंकि मुझे पता है ये फंसता है, तो मैं फंस गया आज, है ना, तो मैंने पहनने दी। अब कह रहा है कि क्या नाम मेरे को जब ज्यादा भाई मानता है तो पैंट भी पहनने दी। देख लग रही है, लग रही है, तुम बताओ लग रही है। विश्वकर्मा पूजा क्या होती है, इस दिन हम अपने वाहन की और क्या औजार होती है सबकी पूजा करी जाती है। ये और ये पता किसी से बैठा हुआ है, ये आज बैठा हुआ मिठाई के लिए। तूने कौन से पुण्य किए राधे जो शाम तेरे घर। जय हो। मेरे कुछ काम की थी। जय लो, ये बाइक भी धुल रही है हमारी, ये वाली बाइक सुबह तो एक धुल गई थी बाइक, अब ये वाली है, अभी मैं स्टन करेगी। इसकी नाक छिद जाएगी। आदमी की नाक फ्री खेता हूँ, लड़कों की और आदमियों की नाक फ्री खेता हूँ, जिस मर्जी से भाई। अच्छा तो ये जो जवानी बैठी है ना इसे सीख दो। सारों के छिदवाओ। ओए साजन पैसा एक नहीं लेंगे फ्री में, छिदवा दो फ्री में भाई। अल्लाह छोड़ नाक फ्री में देता हूँ। तुम्हारे भाई ने एक बार चावल क्या बनाए, मम्मी को इतने पसंद आ गए चावल कि अब बार बार मुझसे बनवाते हैं। खाना ऐसा बनाओ जो चार आदमी फिर से मांगे। कैसे बनाए मैंने? अच्छे बनाए थे। और बढ़िया बनाए थे। जाएंगे फूल माला ले जाए तो तोड़ नहीं रहा, दे दे मम्मी, दे दे मम्मी। माँ खराब इतनी देर से धूप में बैठे आए यहाँ पे बात बना रहा है, कुछ करता तो है नहीं है। कौन ये? अच्छा और ये क्या कर रहा था मम्मी, इसको भी डांटो थोड़ा सा, भी डांटो थोड़ा सा। मम्मी ना डाल के कोने में, चल हो। मम्मी जी तो आप गुस्सा क्यों कर रही हो? चल। मैं काम कर रहा हूँ फिर भी। नहीं तो। आप ऐसे बोलोगे मुझे हराम ज्यादा। गोबर बहुत बढ़िया लगा है मम्मी, आज ज्यादा बदबू आ रही है। गोदन बाबा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, गोबर की बात कर रही हूँ। गोबर की बोला फिर तूने, गोबर गोदन बाबा बोल के, गोदन बाबा मम्मी बढ़िया लगा था ना, गोदन तो बाद में बना। तो फिर जो परमात्मा हो गए ना, पहले गोबर था, खैर गोबर में भी। चलो यार तुम बकवास मत करो, तेरे से ज्ञान मांगा है, चुपचाप वीडियो बना, चुपचाप वीडियो बना। आया यहाँ पे ज्ञान लेने, देना मम्मी से उल मैं दूँ तोड़ तोड़ के वो। ओए होए फूल किसने लगाया गोवर्धन बाबा पे, गुलाब का? वाओ आज तो तुमने इन्हें वो सजा दिया, कान पे लगाती ना। मम्मी एक माला और बची, वो क्या करोगी, शाम को लगाओगी? हैं कहाँ बची है माला? वो री तुम माला देख रही हो, शाम को उड़ाओगी फूल। क्यों मेरे को क्यों उल्टा बोल रही हो मम्मी, मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? 10 घंटे में आया लेकर के, वो 70 मंगाई तो 10 घंटे में लाऊंगा जब पैदल जाऊंगा तो। एक काम करना नहीं आता ढंग से, काम करना घर पे का गाड़ी नहीं थी, नहीं थी गाड़ी पूछ गई थी ना, गाड़ी है नहीं चलाऊंगा आज लोग, इसलिए काम पे जा रहे लोग। फूल माला लाया मम्मी, देखो देखो फूल माला लाया, देखो लोग आज काम पे नहीं जा रहे। देखो काली फूल माला लाया मम्मी, ये तेरी वाली है, मेरी वाली बोरी हाँ, काली फूल माला है, तू लाए सुंदर फूल देख, देख आया हुआ जीवन में कभी लेना तो इसके पैसे मत देना फिर उसको। पैसे मत देना, पैसे मत देना, लाया क्यों फिर, ये तो काम आता है। पैसे भी उसके उसने कमी कर दिए थे। ऐसी उलझी नजर से मैं आया कैसे हूँ, बेकार बहुत बढ़िया लग रहा भाई साहब, मजा आ गया आज।
आपको गोधन बाबा की हम महिमा बताते हैं, महिमा और क्यों हम पूछते हैं और हमारे लिए क्यों सबसे ज्यादा महत्व है, तो ये बताइए हमारी माताश्री। माताश्री प्लीज बताइए आप। भाई आज ही लाफिंग क्या आ रहा होगा। हेलो कर दो पुच्ची में, हेलो कर दो पुच्ची में। पूछ लेना ने तो मम्मी, वो महत्वता तो बताते रहो जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ। कि किस लिए पूजे जाते हैं? पहले इंद्र की पूजा होती थी, फिर भगवान कृष्ण भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो तुम? सबने देखा है कार्टून। चुपचाप ना, बस बोलियो मत अब तो बिल्कुल भी, जब तक वो बोल रही है। मम्मी बताओ आप, पहले ना इंद्र की पूजा होती थी लाला, फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा ये किसकी पूजा कर रहे हो, कि आज इंद्रदेव की, इनकी क्यों कर रहे हो, कि इनकी इसलिए कर रहे हैं कि ये हमको ना वर्षा करते हैं तो हमको धन प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आज से इंद्र की पूजा ना करो, कि नहीं लल्ला ही नाराज हो जाएंगे, पूजा तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं होंगे, तुम इनकी पूजा मत करो। तो ना इंद्र की पूजा करवा करके गिरिराज बाबा की पूजा कराई पर्वत की। अच्छा। तो उन्होंने इतना जल बरसाया, इंद्रदेव ने इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया, और जी भोले बाबा इनको खिला दे, बरसाया था जल बरसाया कि पूरी गोकुल नगरी ब्रजवासी सब डूबने लगे। तो ना भगवान ने कृपा करके गिरिराज बाबा को अपने इस कन्नी उंगली पर इस गोवर्धन को उठा लिया। अच्छा। सारे ग्वाल वालों को बचा लिया, सबको बचा लिया। फिर इंद्रदेव मतलब क्षमा करने के लिए आए, क्योंकि उन्हें जब पता लग गया कि ये हमें ये और कोई नहीं, ये नारायण है, नारायण है। तो वो फिर ना मतलब क्षमा मांगने आए कि हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, हमसे गलती हो गई। तब से ये गोवर्धन बाबा पूजने लगे, जब से इनकी पूजा होने लगी। तो ये महत्वता है इनकी, ये महत्वता, इतनी बड़ी महत्वता है। अन्न धन के दाता है ये, अन्न धन के दाता है। और जब से, और जब भी हम कभी अगर गिरिराज बाबा है, ये गिरिराज बाबा जो मतलब 84 कोस की परिक्रमा लगती है वो है ये। अगर कभी भी हम वृंदावन में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, या फिर कभी ब्रज में जाते हैं, तो अगर हम परिक्रमा भी दे देते हैं ना, तो भी हमारा जाना वहाँ पर सफल हो जाता है ना माँ? ठीक है, परिक्रमा देनी चाहिए। राधे राधे, पानी तो चढ़ा दे। अच्छा, वो मम्मी ये तो बहुत बढ़िया बनी है, जय श्री राधे, पानी तो चढ़ा दे। चम्मच से खिलाना चाहिए, हाथ लपेट के बैठा कर दोगे पहले? तब मम्मी चम्मच तो होती नहीं थी। मम्मी जी आप क्या करते हो, प्रभु हाथ से सोए खाते, मेरा प्रेम देख नहीं दिया। क्या देखेगी मुस्कान? भगवान ने खुद कहा, मैं अकेली बना दी थी, उन्होंने कहा कि तू किसी को मत खिला, आज मेरे ग्वाल वालों को खिला दे, बच्चे के रूप में ग्वाल वाले है वो। अच्छा, लेकिन वो अगर हड़ताल करेंगे तो मम्मी ग्वाल पाले ना पिटेंगे भी। क्या हुआ मम्मी जी? आप बदतमीजी करते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो क्या पसंद आता है? लव में प्यार कीजिए। ठीक हूँ, हट जा तू। अच्छा ठीक है, मारूंगा उन्हें, मारूंगा। तो ग्वाल पाले हरकतें करेंगे तो पिटेंगे नहीं है, फिर मैं काना भी बन जाऊंगा ना, फिर मैं मुरली मारूंगा। तू बन जा काना, फिर ना कहीं पूज रहा होगा, कोई पूज ला रहा है, लेट जा, लो लेट गया। अभी मेरा ब्याह थोड़ी हो रहा मम्मी, अभी से क्यों तैयारी कर रही हो? पत्तों से चढ़ाती हूँ मम्मी तुम पानी। ये मेरे छोटे भ्राता श्री आप पूजा कर रहे हैं। ये देखो क्या स्माइल करते हैं, देखो ये है। चम्मच से देखो निशान, ये जो आगे वाली उंगली है ना, इसको नहीं लगाते हैं, इसको हटा लो। हाँ ठीक है, ये तीन उंगली, चारों लो ना, भोले बाबा पे चढ़ा दो। जय हो, देखो कितने बढ़िया बनाए मेरी माँ ने, और आज इस बार तो खूब एकदम प्रसन्न होकर के, वाह। सबको खिला दो ना, जो जो बच रहे हो, जो जो दिख रहे हो आपको, आपको पता नहीं है क्या निशान? ये मम्मी कौन है? ये गैया है, ये गैया है, ऊंट जैसी गैया होती होंगी, लंबी लंबी खड़ी है ना। अच्छा, तो मम्मी थोड़ा ढंग से बनाया करो ना, पता नहीं लगता। ग्वाल पाले और गैया दोनों में फर्क ही पता लग रहा है। गैया कहाँ है मम्मी? ये नहीं गाय, दिखाओ। अरे हाँ यार, वो लग भी नहीं है गाय। तो उनकी वो खांसी सी तो बनाती हैं, जिसमें खाना खाती हैं। अच्छा अच्छा, देख रहे हो कितनी बात बनाता है मम्मी। ये कौन है बताओ ना, सबका नाम धर दो। ये हाँ मम्मी, सुदामा जी इधर ही बैठे हैं पैरों पे आकर के। तो वहीं बैठते हैं वो, कन्हैया जी का सब नीचे ही तो बैठते हैं, गोधन बाबा इतने विशाल थे। लो जी, अकल ही नहीं है। चुपचाप साढ़े चुपचाप लाइन में बैठ जाओ, मैं भूत बना दूंगा। कौन आए ग्वाल
आवाज आवाज नहीं आ जाए किसी की, चुपचाप बैठ जाओ। अबे वो नवाब नीचे बैठ, नीचे बैठ, ठीक है। हाँ मम्मी ये पंडित आ गया, इसे इसे पूछ लो। ऐ रेटी ले दिखाइयो दिखाइयो। भाई और नागली कट रही है, खा खा लूंगा, खा लूंगा, बाल आ जाएंगे, खा लूंगा, बाल आ जाएंगे। ओए दिखाइयो, ऐ हाय कितनी गंदी नाक आ रही है इसकी, निशांत तू खाना भी नहीं खाएगा, इतनी गंदी नाक आ रही है इसकी। चलो भाई बैठो, घास पे इशारा तुम्हारे। आ गई सृष्टि, आ गई सृष्टि, ओए होए, ओए राम राम, राम राम, ओए तुम करो राम राम तब करते हैं। बे नमस्ते, बे नमस्ते, नमस्ते। अरे तुम क्यों आ गए, लो देखो फिर ये खा रहे। बच्चों खाना खा लो, कड़ी चावल बनाना पकाना कैसे बैठ के दो, आप तरीका नहीं है क्या आपको? शर्मा गई वो। ये चावल भोग का मैं भी खा रहा हूँ, देखते हैं कैसा बना हुआ है। ला ला, ओए होए 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 बाबू। एक्टिंग एक्टिंग, ओ सॉरी। इतने गाल पे मार रहा है ना, करता है। क्यों चिढ़ रही हो इतना? उधर मत मेरे उधर दो। मुस्कान तो गिरती थी बचपन में, सही रहा गिर गई थी तो पता नहीं कैसे बच गई। और कितनी मस्त बनी है, भंडारी जैसी बनी है ना। सतीश ला गया, सतीश सतीश ला गया। पूजा शाम को होगी घर पे, ठीक है। तब तक अभी रेस्ट कर लेते हैं और बस रेस्ट कर लेते हैं। मजा आता है, बच्चों को खिला दिया, अरे सॉरी थोड़ा बच्चों को खिला दिया और थोड़ा खुद खा लिया। भाई क्या चावल बने हैं यार, क्या चावल बने हैं, मतलब मज़ा आ गया। चावल इतने बढ़िया बने हैं, बहुत बेहतरीन, एकदम खिले खिले चावल, बहुत बढ़िया। सबने खा लिया बहुत अच्छी तरीके से और मैंने बांट भी दिया, फिर जो भी जो जा रहा था ना उन्होंने भी बांट दिया, वो रिकॉर्डिंग कर पाए।